अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जुगाड़ू किचन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जुगाड़ू किचन में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल कोल्हापुरी भड़म। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले हम कोल्हापुरी मसाला जो भड़म में डाला जाता है वो बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ एक कटोरी फुल भरकर धनिया लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप साबुत काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसके बाद एक चौथाई कप इसमें हम डालेंगे सौंफ। एक चौथाई कप अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। इससे एक बढ़िया फ्लेवर आता है, एक खुशबू आती है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ एक कटोरी भरकर सूखा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। सुखाया हुआ कड़ी पत्ता है, तो इसे हम एक कटोरी भरकर डालेंगे। इससे बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू आती है, तो बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बनता है। तो देखिए, इसके बाद एक चौथाई कप हमने यहाँ राई ली है, इसे भी हम डालकर थोड़ा भून लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। तो देखिए, हमारा मसाला यहाँ भून कर रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो भड़ंग मसाला जो मिलता है, कोल्हापुरी भड़ंग मसाला, इसी तरह का बनाया हुआ होता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार मसाला होता है, तो एक बार ट्राई कीजिए आप भी। इसके बाद देखिए, ये ठंडा हो चुका है, तो इसे मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च डालकर इसे पीस लिया है। देखिए, इस तरह का इसे पीस लिया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है। देखिए, इस तरह का मसाला मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर रख सकते हैं, और जब आप भड़ंग बनाएंगे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का मसाला होता है जो पॉकेट मिलता है कोल्हापुरी भड़ंग में, इसी तरह का मसाला यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ बड़ी सी एक कढ़ाई ली है। तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भड़ंग बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 किलो मुरमुरे लिए हैं। इसके लिए हम डालेंगे यहाँ 1/2 किलो तेल। तो तेल थोड़ा हम गरम होने के लिए रख देंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें डाली है 1/2 किलो मूंगफली। तो इसी मेजरमेंट से आप कीजिए, यही रेशो रखिए, तो आपका भी भड़ंग परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम रोस्ट कर लेंगे मूंगफली को। हाई फ्लेम नहीं रखना है हमें, हाई फ्लेम रखने से ऊपर से जल जाएगी और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ भूनना है। तो देखिए, हमारी मूंगफली यहाँ रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया देखिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद वही तेल में हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ 2 चम्मच राई डाली है, सरसों। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो सरसों राई थोड़ा तड़कने के बाद अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा मिक्सी जार में पीस लेना है, दरदरा रहना चाहिए। तो एक कटोरी भरकर मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इससे भड़ंग को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह, कच्चापन इसमें का निकल जाना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे।
उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी भरकर कड़ी पत्ता, और इसे भी हमें कुरकुरा होने तक अच्छी तरह भूनना है। ये सभी मसाले हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरह हिला हिला कर हमें इसे अच्छी तरह भून लेना है। कड़ी पत्ता एकदम कुरकुरा होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए, हमारे यहाँ मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अदरक लहसुन और कड़ी पत्ता। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हसबे जायका नमक डालेंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह कड़ी पत्ता रोस्ट हो चुका है, भून चुका है, क्रिस्पी बन चुका है। तो देखिए, इसके बाद मैं यहाँ बेसन डाल रही हूँ। तो हमें 1/4 कप यहाँ बेसन ऐड करना है। रेडीमेड भड़ंग में बेसन डाला जाता है, तो इस तरह आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार भड़ंग बनता है। तो हमें लो फ्लेम पर बेसन को भी अच्छी तरह भूनना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए, यहाँ बेसन भी अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, फ्लेम को हमें बंद करना है। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मैंने 1/2 कटोरी यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाली है। फ्लेम को हमें बंद कर मिर्च डालना है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 कटोरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। इसके बाद हम इसमें मुरमुरे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 किलो मुरमुरे लिए हैं। तो फ्लेम इस टाइम हमारी बंद है फ्लेम, तो अभी हमें सभी मुरमुरे इसमें ऐड करना है। तो देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ शुगर पाउडर लिया है, शक्कर को मैंने पीस लिया है। इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 कटोरी। इसके बाद जो हमने मूंगफली भून ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार कर लिया है, मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 4 चम्मच। इस मेथड को फॉलो कीजिए एक बार। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। शुगर पाउडर डालने से बहुत ही टेम्पटिंग लगता है भड़ंग, एक खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिए, ज़रूर डालिए। तो इस तरह हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे कर अच्छी तरह मिक्स करना है। मुरमुरों को अच्छी तरह मसाला पूरा लगना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, रेडी है हमारा यहाँ कोल्हापुरी भड़ंग।